पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई की दादागिरी पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी। उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि सीबीआई को बंगाल में जांच और कार्रवाई का अधिकार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए कोई मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, लेकिन ऐसा हुआ है और ममता बनर्जी ने ऐसा कर दिखाया है। उनका यह कहना है कि सीबीआई की दादागिरी को हम पश्चिमी बंगाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर किसी राज्य की पुलिस और सीबीआई टीम के बीच पहली बार ऐसा टकराव हुआ है। उल्लेखनीय है कि बंगाल द्वारा दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई को दी गई मान्यता और सहमति दिनांक 16 नवंबर 2018 को वापस ले ली गई थी। इसके बाद यह तय हुआ था कि बैरक टोक जांच और कार्रवाई राज्य में नहीं हो सकती। सीबीआई को राज्य में कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सीबीआई द्वारा सीधे बंगाल के पुलिस कमिश्नर का बंगला क्यों घेरा गया और सीधे सीधे उनसे पूछताछ क्यों की गई। यहां पर सीबीआई की भूमिका प्रथम दृष्टि में ही संदिग्ध नजर आती है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने जो रुख अख्तियार किया है उसको लेकर विपक्ष के सभी नेता एकमत हो गए हैं और उनका यह कहना है कि मोदी सरकार संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।